zindabad! Ahmad bhi zindabad! Zindabad, zindabad! Ahmad bhi zindabad! Shiksha swar zindabad! Zindabad, zindabad! Pani bijli zindabad! Zindabad, zindabad! Delhi model zindabad! Zindabad, zindabad! Shiksha swar zindabad! Zindabad, zindabad! योजना क्रमांक 36 ए और बी में व्याप्त समस्याओं का निराकरण करवाए जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम तहसीलदार अजय हिंगे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि स्कीम नंबर 36 के और बी के एक वेत करनी है जिसे 1986 में तत्कालीन नगर सुधार न्यास विलय नगर पालिका में होने से कॉलोनी का विकास जिम्मा स्वतः ही नगर पालिका को हस्तांतरित हो गया, लेकिन 35 साल बाद भी उक्त कॉलोनी में रहने वाले नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जिसमें सड़क, बिजली, नाली, बगीचों का विकास एवं अन्य मूलभूत जरूरतों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ ही रहवासियों का भी कहना है कि कॉलोनी के रहवासी संपत्ति कर, समेकित कर, प्रकाश कर, जल कर, सफाई कर नगर पालिका को भुगतान कर रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी गई कि संपूर्ण कॉलोनी क्षेत्र में तुरंत सड़कों का निर्माण करवाया जाए, नाली का निर्माण करवाया जाए, बिजली पोल लगाकर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए, पानी का वितरण प्रेशर के साथ किया जाए। ज्ञापन सौंपते समय बड़ी संख्या में आप पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारी मांग है कि स्कीम नंबर 36 ए और 36 बी जो कि 1985 में काटी गई थी, तत्पश्चात इसका आवंटन किया गया था, किंतु 1986 से लेकर आज तक मतलब लगभग 35 वर्ष बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी ना सड़कें बनी हैं, ना नालियां हैं, ना बिजली के पोल लगे हैं। इसके कारण वहां के आम जन निवासियों को बिजली के बिल, बिजली कनेक्शन के लिए अतिरिक्त 9 से 10 हज़ार, किसी को 15 हज़ार प्लाट के साइज़ के मुताबिक अतिरिक्त पेमेंट करना पड़ रहा है, जबकि ये बिजली कनेक्शन मात्र 3600 में मिलना चाहिए, उसके स्थान पे किसी को 14 हज़ार, किसी को 10 हज़ार, किसी को 15 हज़ार। इसी तरह से रोड नहीं है, बच्चे गिरते हैं वहाँ पर, घुटने फूटते हैं, नालियाँ नहीं है जिसके कारण गंदगी व्याप्त है, नल पानी का प्रेशर 36 में बिल्कुल नहीं आ रहा है जबकि कनेक्शन दे दिए गए हैं, उसके बावजूद शाम होते ही लाइट, स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण अराजकता जैसे फैल जाती है और असामाजिक तत्व जो है वहाँ पर अपना पैर पसार देते हैं, जिसके कारण महिलाओं का निकलना दूभर हो जाता है। आज हमने आम आदमी पार्टी के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ताओं ने अपने जनसंपर्क के दौरान ये सब कमियां पाई और कलेक्टर महोदय के सामने अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। हमारे साथ में कॉलोनी निवासी भी आए हैं, मैं स्वयं भी कॉलोनी निवासी हूं जो कि 25 वर्षों से इसी कॉलोनी में निवास करता हूं, और मैंने ये सभी जो समस्याएं आपको बताई है इससे मैं भी जूझ रहा हूँ। तो आज आम आदमी पार्टी ने ये बीड़ा उठाया है कि जन संपर्क करने के दौरान इनकी समस्याओं का हल करें। मेरा नाम लाल सिंह भाटी, रिटायर्ड सुबेदार मेजर फ्रॉम CRPF।